आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र सरकार ने कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप पर बजट में मामूली वृद्धि की है। साल 2021-22 में 1,47,474 करोड़ रुपए था, जिसे इस साल बढ़ाकर 1,51,521 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उधर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए बजट आवंटन में भी थोड़ी वृद्धि की गई है। 2021-22 में इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का आवंटन था, जिसमें वृद्धि करके 2022-23 के लिए 68,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उधर फसल बीमा योजना के लिए 15,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उर्वरक के लिए सब्सिडी के तौर पर सरकार ने 2022-23 में 1,05,222 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया है। इससे किसानों को सस्ता खाद मिलने का रास्ता साफ होगा। हालांकि सरकार इस साल भी इस पैसे को सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का निर्णय नहीं ले पाई, यानी सब्सिडी की यह रकम खाद कंपनियों को मिलेगी। कृषि बजट में मामूली वृद्धि करके सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। वर्ष 2020-21 में कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों का बजट 1,34,420 करोड़ रुपए का था। अब सरकार ने 2022-23 में खेती किसानी पर 1,51,521 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है, जबकि वर्ष 2013-14 में कृषि विभाग के लिए बजट आवंटन मात्र 21,933.50 करोड़ रुपए ही था। अब उससे 3 गुना अधिक पैसा तो सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पहले बजट का आवंटन 75,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन सरकार ने 2021-22 के बजट में उसमें 10,000 करोड़ रुपए की कटौती करके इसके 65,000 करोड़ रुपए कर दिया, जिसके विपक्ष में काफी आलोचना भी हुई। हालांकि इस कटौती से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि स्कीम शुरू होने के बाद से अब तक कभी 75,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। अब सरकार ने साल 2022-23 के लिए इसका बजट आवंटन 68,000 करोड़ रुपए कर दिया है। पीएम किसान निधि के बजट में वृद्धि से भी किसानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किसानों को हर साल मिलने वाले 6,000 रुपए ही हैं। ऐसा नहीं है कि बजट आवंटन में वृद्धि से सालाना मिलने वाले 6,000 रुपए की रकम में कोई वृद्धि हो जाएगी। पीएम किसान योजना के करीब 11 करोड़ लाभार्थी हैं। किसानों को उम्मीद थी कि इस रकम में सरकार यूपी और पंजाब चुनाव को देखते हुए कुछ वृद्धि करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह 100% केंद्रीय फंड की स्कीम है, जिसमें कभी भी आवेदन किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।